हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त गब्बर। तो आज का मैच है बहुत ही मज़ेदार। तो देखिए, आज उतर रहे हैं रोज़ोक। रोज़ोक उतरते ही भाई हमारे साथ दो टीम और उतर रही थी। तो चलो भाई, सबसे पहले उतरते हैं। तो भाई, जिन जिन बंदों ने अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया जाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। तो भाई, सबसे पहले उतरते हैं। इधर गन ढूंढी, अभी तक तो कोई नहीं मिली भाई। तो जैसे मैं ऊपर आया तो देखा एक पिस्टल मिला, लेकिन गोलियां नहीं उठाई। शॉटगन पिस्टल की गोलियां अब इस पर दागेंगे, लेकिन गोलियां ख़त्म और एक भी गोली उस बंदे को नहीं लगी। तो जैसे तैसे मैं इस घर से बाहर निकला तो आगे बढ़ा, इस बंदे के पीछे गया। जब तक इसके पास गया, इसके हाथ में उसी लग गई थी। तो भाई, अभी देखते हैं क्या होता है इसका। फटाक से हेड पे शॉट। तो भाई चलो, पहले लूट करते हैं। उजी मिली, उजी उठाई, रीलोड की। तब तक एक और बंदे के फुटस्टेप सुनाई दिए मुझे। चलो देखते हैं इसका क्या बनता है। इस बंदे को तो पता ही नहीं चला क्या और कब किसके साथ इसके साथ कब क्या हो गया भाई। तो अभी ये क्लच सही लगा हुआ हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। पहले बॉट ख़त्म करते हैं। बॉट से गन मिली, लेकिन बंदे ने हाथ घुमा ही दिया इस गन पे। लेकिन अभी इससे मैंने गन मांगी और इसने मुझे गन दे भी दी। तो पहले गन उठाते हैं, क्योंकि उसी की गोलियां ख़त्म हो गई थी। गन उठाई, रीलोड की, अभी थोड़ी हील अप। इतने में हमारा एक बंदा नॉक। तो जैसे हमारा टीममेट नॉक हुआ तो हम उसी वक्त उन बंदों के ऊपर रश करने के लिए चले गए, ताकि जो हमारा बंदा बच सके भाई। ऊपर गया बंदा, कवर में चला गया, दूसरे बंदे ने फ्री फायर में उसे बचा लिया। अभी मैं भी गया कवर में पत्थर के, तो देखा दो बंदे थे। अभी भाई ये देखना, M4 कौन बोलता है M4 एक अच्छी गन नहीं है। आप देखिए, बंदा ना सीधा रश करेंगे। और जैसे ही मैं इधर गया, सामने एक पेटी दिखी, तो मन में लड्डू फूटा लालच का। अगर लूटने लग जाता तो ये मेरी पेटी बना लेता। चलो इसे भी ख़त्म करते हैं, अब इसकी पेटी लूटेंगे भाई। इतने में जब यहाँ पर आए तो मेरे बंदे ने बताया कि एक टीम रोड क्रॉस कर रही। तो सबसे पहले हम उनकी तरफ भागे, एक बंदा नॉक कर दिया मेरे टीममेट ने उनका। तो इतने में हमें थोड़ा टाइम मिल गया उनके पास जाने का, लेकिन तब तक वो बंदा रिवाइव हो गया था। तो इतने में हम यहाँ पर आए, मेरे टीममेट सीधा उनके पास ही घुस गए, लेकिन मैं थोड़ा सा कवर लेते हुए रोटेशन मार के ऊपर गया। और जैसे ही मैं इधर आया तो मैंने देखा बंदे आगे वाले घरों में थे। तो मैंने सबसे पहले इस घर में आया, मैं इस घर में आके सबसे पहले ऊपर वाली छत पे गया। और जैसे इधर आया एक बंदा दिखा, उसे दिया थोड़ा डैमेज। इतने में भाई नेड आया मेरे ऊपर, बचते बचते बचा मैं तो यहाँ पे। इतने में ये भी बंदा अपने बंदे को बचाने के लिए आया, लेकिन इतने में हमने इसे नॉक कर दिया। तो जैसे नॉक किया तो मेरा बंदा भी टीममेट भी नॉक हो गया। तो मैं पहले पहुंचा उसके पास, क्योंकि एक बॉट भी आ गया था। इसे ख़त्म करते हैं। तो जैसे इधर आया सामने एक और बंदा, तो पहले इसे नॉक किया, और उसी के साथ शेक के अंदर एक बंदा और मेरे टीममेट ने उसका भी काम कर दिया ख़त्म। तो पहले करेंगे अपने टीममेट को रिवाइव। तो पहले गया उसको किया रिवाइव, क्योंकि भाई रिवाइव तो बनता है। और जैसे रिवाइव किया, मुझे फुट स्टेप्स सुनाई दिए एक बंदे के भागने के। तो जैसे मैं थोड़ा सा बाहर निकला रिवाइव करने के बाद, तो सामने से एक बॉट भागा आ रहा था। तो इसे पहले ख़त्म करते, और थोड़ी सी की लूट। जैसे यहाँ से निकले तो हम चल पड़े अपार्टमेंट्स की तरफ, और जैसे हम अपार्टमेंट की तरफ पहुँचे तो हमें दिखा ड्रॉप। तो जैसे तैसे हम यहाँ पर पहुँचे, तो बड़े अपार्टमेंट पर पहुँच के हमने पहले तो देखा यहाँ पर बंदे तो नहीं हैं जो कैंप कर बैठे होंगे। तो पहले देखा कोई बंदे नहीं थे, क्लियर था यहाँ पे। तो मेरे टीममेट्स ने पहले तो की लूट। तो जैसे हम यहाँ पे लूट वगैरह करके बाहर निकले, तो दिखा यहाँ पर एक बंदा फायरिंग कर रहा था। तो मैंने अपने टीममेट को बताया, तो इतने में भाई मेरे टीममेट ने कर दिया उसका काम तमाम। तो यहाँ पर हम निकले,
आगे पहुंचे तो जैसे इस घर में आए लूट की, तो आगे फिर से फायरिंग के थोड़े से साइन दिखे और आवाज़ सुनी, तो आगे बढ़े। और भाई यहाँ पर चल रही थी दो टीमों की फाइट, और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे थे टीम की फाइट ख़त्म ही हुई थी, इतने में एक बंदा मेरे बंदे के ऊपर रश करने के लिए आया। पहले तो करेंगे इसके इसको नॉक। और जैसे ही इधर आए तभी उसी टाइम पे भाई मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था इस टाइम पे, तो मैं यहाँ पर बस उसे मारने के चक्कर में था। इतने में एक और बंदा मुझे मारने वाला था, तो पहले फ़ोन रखा साइड पे और इस बंदे को ख़त्म किया भाई। तो इस टीम के दो बंदे तो हम लोगों ने फिनिश कर दिए। तो एक बंदा सामने वाले घरों में था, तो पहले कवर लेके हेल्थ लगाएंगे। इतने मेरे टीममेट ने किया स्मोक यहाँ पर, तो मैं निकला साइड पे, क्योंकि भाई उसको हमारी लोकेशन तो पता थी, लोकेशन चेंज करनी तो बनती थी। तो मैं यहाँ से मूव करके अपने दूसरे टीममेट के पास थोड़ा सा गया। और जैसे मैं इस ट्री के कवर पे आया, देखा सामने उस घर में बंदा था। M4 पे लगाया 4x और शूट किया, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लग पाई। तो जैसे ही शूट किया एक और बग्गी वाला आया। ये क्लच देखिए भाई, इस पे एक लाइक तो बनता है। तो भाई ये बग्गी वाला तो हमने बग्गी से ही निकाल दिया, और जैसे इसे निकाला तो मैं उस दूसरे बंदे को दे रहा था शॉर्ट रेंज में, उसने मेरा टीममेट को कर दिया नॉक। तो पहले करेंगे अपने टीममेट को रिवाइव। जैसे ही मैं इधर आया तो पहले किया उसे रिवाइव, और रिवाइव करने के बाद मैंने उसे बोला कि मैं उस बंदे पे सीधा रश करूँगा बग्गी लेके, तो तुम लोग मुझे देना कवर। तो भाई इसे रिवाइव करने के बाद मैंने सीधा किया उस बंदे पे रश। अभी ये वाला वीडियो देख के भाई कुछ सही ना लगा हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और बताना ये वाला जो है क्लच कैसा लगा। तो भाई देखिए अभी इधर रुका, पोजीशन चेंज, वो उधर फायर कर गया और मैंने इसे इतने में इसे किल कर दिया। तो भाई जैसे ही हमने इसे किल किया उधर जोन आ गया, तो पहले थोड़ी सी करेंगे लूट, क्योंकि हेल्थ नहीं है हमारे पास। तो मैंने की थोड़ी सी लूट, और जैसे ही हेल्थ वगैरह मिल गई तो यहाँ से निकलना तो बनता है, क्योंकि जोन आ गया है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ ये मैच। तो जैसे ही इधर आया गाड़ी पकड़ी, अपने टीममेट को लिया साथ, वो बग्गी में था दूसरा बग, और उसे भी अपने साथ लिया और सीधा चल पड़े जोन के अंदर। और जैसे तैसे हम इस रेड जोन से बाहर निकले, तो इतने में यहाँ पर पहुँचे तो एक बंदे के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। तो मैंने सोचा कि शायद इस घर की कॉर्नर पे है वो, तो मैंने मौली की, क्योंकि मुझे शक था, फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। और सबसे पहले की मौली, और इतने में वो बंदा दूसरी साइड पे पहुंच गया, और इसी से आज मेरे टीममेट ने उसका काम कर दिया तमाम। तो पहले बाहर निकले, थोड़ी सी लूट की और यहाँ से निकले, तो अभी बच गए थे बंदे तीन और। तो इन बंदों ने बहुत ही तंग किया हमें, तो भाई देखना इन बंदों के साथ हमने भी क्या किया। तो सबसे पहले हम पहुँचे यहाँ पर पहाड़ी पे, क्योंकि सामने बंदे थे। तो पहले तो मैंने उन्हें किया फाइंड आउट कहाँ पे हैं, तो सामने एक बंदा दिखा, इतने में फायरिंग कर ही रहा था वो भाग गया, नीचे पहुँचा। तो भाई इन बंदों की स्पीड देखना, कब और कहाँ से ये हमारे पीछे घूम घूम के आ गए, हमें पता भी नहीं लगा। तो जैसे तैसे मैंने फायरिंग करके पीछे पहुँचा, तो इतने में मैं इधर आया, देखने लगा कि शायद बंदे अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरे घरों में आ गए, लेकिन बंदे भाई पीछे हमारे पीछे आ गए थे। तो अभी देखना भाई इनका क्या बनता है। तो जैसे मैं इधर पहुँचा तो फायरिंग शुरू यहाँ पर, तो मैं आगे पहुँचा और बंदा मुझे थोड़ा सा दिखा, तो चलो पहले इसका काम तमाम करते हैं। और जैसे ही इसे शॉट दिया सीधा ही टपली पे पड़ा, तो मैं पहुंचा आगे रश मारने के लिए, और मेरे टीममेट ने बताया कि एक और बंदा है उसका। तो मैंने नेड किया, एक नेड फेंका, दूसरा और पकड़ा, इतने भाई बंदे ने मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। तो देखिए अभी क्या होता है उसके साथ। तो भाई ये फ़ायदा है ट्रेनिंग करने का, अगर मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐसी ट्रेनिंग नहीं करूँगा तो भाई किल कहाँ से लेके आऊँगा।
तो भाई मैं आपको बोलता हूँ कि ट्रेनिंग ज़रूर कीजिए, उससे आपकी गेम भी इम्प्रूव होगी, तभी रिज़ल्ट, इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप क्लासिक मैच लगाएंगे तब आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो अभी बच गया है एक बंदा, तो अभी भाई इस बंदे ने हमें बहुत तंग किया, हमने काफ़ी फाइंड आउट किया, पहले तो घरों की तरफ गए पूरा घूम के, तो हमें कहीं पे भी ये बंदा नहीं दिखा, पूरा फाइंड आउट किया भाई। तो जैसे तैसे हम इन घरों के पास आए तो हमें कोई फुटस्टेप, कोई बंदे नहीं, बल्कि मिल ही नहीं रहा था भाई वो बंदा हमें। तो जैसे इधर आए, पहले पहुंचे शेख की तरफ, हमने सोचा शायद शेख के पास होगा, इतने में उसने खुद ही अपना साइन दे दिया फायरिंग करके, तो मैं सीधा रश मारने के लिए चला गया। इतने में भाई यहाँ पर मेरी पिंग हाई हो गई, आप देखिए, और पिंग हाई हो गई, बाद में स्टेबल हो गई, और जैसे ही मैंने उसको गाड़ी चढ़ा दी। तो इसी के साथ एक और शानदार चिकन डिनर। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ही तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए नई नई वीडियोस लेके आएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, और कोई ट्रिक वगैरह चाहिए हो तो उसके बारे में भी बोलना, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू भाई लोग।